मैं सुनील राठी आपका A.RIWAL क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्लस टू CBSE मैथ्स का सॉल्यूशन दूंगा। अगर तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टार बी डिनोट्स दिस 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 देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ बच्चों क्या है कि दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो स्टार से डिनोट कर रखा है और एक ये ओ से डिनोट कर रखा है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं देखूँ तो ये देखो क्या डिफाइन कर रखा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी प्लस थ्री। अब मुझे फाइंड आउट करना था फाइव बाइनरी ऑपरेशन टेन, तो फाइव बाइनरी ऑपरेशन टेन प्लस थ्री, लेकिन फाइव स्टार टेन में क्या है कि हमें इसका लार्जर नंबर लेना है। तो फाइव स्टार टेन में आंसर कितना आ गया, टेन, तो टेन प्लस थ्री इज द 13 राइट आंसर। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उसमें क्या करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच द सच दिस एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। तो यहाँ गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड और थीटा के बीच का एंगल है और वो दे रखा है 60 डिग्री। आगे हमें उनका डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है। हमें ये निकालना था कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं कि एंगल बिटवीन टू वैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन दिस। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी तो वहाँ से मुझे ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू आई थी, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के इक्वल था, सो बी मैग्नीट्यूड भी हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्या कर रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है, हम सॉल्यूशन की बात करें तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, या हम कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो वहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग बात है कि ए की वैल्यू -2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए -2 एंड बी इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, टेन इनवर्स रूट थ्री इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा पाई बाई थ्री आ जाएगी, कॉट इनवर्स में माइनस है तो मैं लिख सकता हूँ इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स थ्री। मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व किया आंसर -5/2 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब दो दो नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी इजी क्वेश्चन है, ये टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी थी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या था, कुछ नहीं था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मैं इसका सोल्यूशन देखता हूँ। मुझे इक्वेशन दे रखी है सी एक्स में इज दिस, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, दैट मीन्स मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया और किस पे निकालना था, एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन, 30.255 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करना टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम ब्रेक कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला तोड़ देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, सिंप्लीफाई कर लिया कोट एक्स बाई 2। हम सोल्यूशन देख पा रहे हैं, कोट एक्स बाई 2 को हम तोड़ लेंगे ऐसे, वाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो हमने डेरिवेटिव कर लिया माइनस एक्स बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7, ए गिवन है, कंप्यूट करना है ए इनवर्स और शो करना है दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजोइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट मैंने निकाल लिया 2 आया, तो एडजोइंट ऑफ ए निकाल लिया, सिंपल है इसका। इनको रिवर्स कर देता हूँ, इनके साइन चेंज कर देता हूँ, ए इनवर्स पहला आंसर आ गया। फिर दूसरे आंसर में इसने एक और कहा है कि इसको शो करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 9 आई माइनस ए, वैल्यू पुट कर ली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें पता है ये प्रॉपर्टी भी होती है 3 साइन इनवर्स एक्स की, लेकिन हाउ टू प्रूव देखते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, मैंने राइट हैंड साइड ले ली, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स एक्स पुट किया तो ये बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। ये इसको इसका आंसर 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू मैंने निकाली वो -5/6 से 5/6 के बीच में है, जो कि लाई करती है -5/2 से 5/2 के बीच में। तो आंसर हमारा 3 साइन इनवर्स आ जाएगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, जिसके अंदर दो डाई रोल की गई है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ऑब्टेनिंग द सम दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मैं इसके अंदर दो इवेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ कि ए इवेंट है मेरा कि सम 8 आए, और बी इवेंट है कि रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4। सैम्पल स्पेस तो 36 होंगे क्योंकि दो डाई को रोल किया है, तो सम 8 निकालने के लिए मैंने केस बना ली, कितने केस बनेंगे 36 में से बने 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। फिर बी इवेंट था कि बी इवेंट कह रहा है कि रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4, तो एक डाई जो रेड है उसका नंबर लेस देन 4 आना चाहिए, तो मैं इसके केस बनाऊंगा तो ये मेरे 18 बन गए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 18/36, क्योंकि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो मुझे इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन भी निकाला, वो दो ही नंबर आए 2/36। अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द फॉर्मूला ऑफ दिस पी ऑफ दिस दिस फाइनल आंसर इज 1/9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। डायरेक्ट फार्मूला कुछ भी नहीं है, तो फार्मूला हमारा साइन थीटा का ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकाल लिया, सब कुछ गिवन है, ए मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फार्मूला के अंदर पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2√6/7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, कोई फैमिली ऑफ कर्व ये दे रखा है वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तब दो कॉन्स्टेंट है तो मुझे दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। चलो सोल्यूशन देखते हैं। वाई ये गिवन है, मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस। तो ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही थी ए ई बी एक्स एस टू पावर 5, तो मैंने इक्वेशन इसका यूज करके वाई का वैल्यू पुट कर ली, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने वैल्यू निकाल ली बी की, ये मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, सिंपल ये बहुत सिंपल सोल्व कर लिया, ये दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है छोटा सा। सो कॉस 2x का मैंने फार्मूला तोड़ दिया ट्रिग्नोमेट्री में, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन दिस, दोनों में से कॉमन निकाल लिया 2 दिस, तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो इसके साथ हमारा दो दो मार्क्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं पहले, वाई इज इक्वल टू साइन साइन एक्स प्रूव दैट दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखते हैं एक बार। वाई इज इक्वल टू साइन साइन एक्स, मैंने डेरिवेटिव कर लिया सिंपल, उसका डबल डेरिवेटिव कर लिया यू इन टू वी लगा के। यह मैंने इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर दी साइन साइन एक्स की जगह वाई, और इसकी जगह मैं डी वाई बाई डी एक्स पुट कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया, वेरी सिंपल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर प्रूव हो जाएगा, केवल 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और फिर मैंने एक नीचे और वाला क्वेश्चन भी देखा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस, मुझे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है उस क्वेश्चन की तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैं ये और वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स, चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी और क्यू क्या हमारे एक्स की वैल्यू है, तो पी 2 tan x क्यू साइन एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया मैंने सिंपली सोल्व करके, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। फिर इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, वैल्यू पुट कर ली सोल्व कर लिया, सिंपल इंटीग्रेशन एंड दिस विल बी द राइट सोल्यूशन। सोल्यूशन में चेक कर सकते हैं आप, कंप्लीट फाइनल आंसर हमारा ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है ही नहीं, फार्मूला बेस का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, 2 स्क्यू लाइन दे रखी है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू बी अलग अलग हैं। तो इसका सोल्यूशन देखता हूँ, बस हमें फार्मूला अप्लाई करना है, दिस इज द फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन, A1 A2 क्या हमारे A1 दिस A2 दिस B1 दिस B2 दिस, सो A2 माइनस A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया और फाइनल आंसर निकाल लिया 6√5। क्वेश्चन नंबर 16 टू नंबर आर सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फ्रॉम फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो जब मैं दो नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले 5 नंबर में से, उसमें से लार्जर को मैंने मान लिया एक्स, जो कि मेरा रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5। अब मैंने टोटल केस निकालता हूँ, मैं टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, कि 5 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करने थे तो कितने हुए 10। अब लार्जर नंबर मुझे 2 देखना है, लार्जर नंबर 2 के क्या केस बन सकते हैं, कि 1 और 2 आ जाए क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है, तो केवल एक ही केस बना, तो इसका आंसर कितना होगा 1/10। अब 3 के क्या केस बन जाएंगे, साइड में बना रखे हैं 1, 3, 2, 3, तो इसके कितने बन गए 2। इसी तरह से 4 के बनाऊंगा 3, 5 के बनाऊंगा 4, ये निकाल लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आगे इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, मीन और वेरिएंस डायरेक्ट फार्मूला है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, सॉल्यूशन कर लिया 4, वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला है, कैलकुलेशन करते रहो, आंसर इज 10.8। क्वेश्चन नंबर 17 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, केवल 2 ऑपरेशन में क्वेश्चन सोल्व हो सकता है ये है। पहले मैंने उसको ऑपरेट कर दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में हम 0 बना के एक्सपेंड करते हैं, जितने 0 बन जाएं, तो C1 पे ऑपरेट किया मैंने, C1 माइनस C2, C2 ऑपरेट कर दिया, C2 माइनस C3 ऑपरेशन करने के बाद ये आ गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लिया, 9 बार एक्सपेंड कर दिया C1 से, डायरेक्ट आंसर आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहा हूँ, जिसके अंदर और भी गिवन है, पहला क्वेश्चन तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, दिस पॉइंट के ऊपर सिंपल क्वेश्चन था,
वाई माइनस वाई वन, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है, हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं। मैं नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमें पता है फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए उसके डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट कर देता हूँ। डेरिवेटिव कर लिया, सिंपल, जीरो के बराबर पुट किया, क्यूबिकल इक्वेशन थी, हीट एंड ट्रायल से मैंने वैल्यू निकाल ली, एक एक्स इक्वल टू टू पे इसका आंसर जीरो हो गया, तो एक्स माइनस टू इसका फैक्टर हो गया, तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके मैंने फैक्टर बनाए तो ये आ गए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरी माइनस थ्री है, टू है, फोर है। अब मुझे देखना था, जब मैं फोर से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फोर से इन्फिनिटी में। माइनस टू से फोर में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसके इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे इंटरवल में चेक करूँगा, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहा हूँ, टू कोस एक्स अपॉन दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। साइन एक्स को मैं टी पुट करके क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, साइन एक्स को टी पुट किया, कोस एक्स डी एक्स, तो क्या बन गया क्वेश्चन, सिंपल दिस। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन दिस बी टी बी टी प्लस सी अपॉन दिस, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया, ये आ गया। अब मैं उसको सोल्व करूँगा बाई कंपेयरिंग द कोफिशियंट, तो ए बी सी की मेरी वैल्यू वन आ गई, तो मैंने ये वाली सारी वैल्यू वन में डाल दी। मैं सोल्व कर रहा हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन लॉग का, यहाँ मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको करने के लिए टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया, तो लॉग प्लस टेन इनवर्स टी, दिस इज द फाइनल आंसर। टी को बाद में साइन एक्स पुट कर दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलें।